स्वागत है आपका मेरे चैनल ले सोल जाइका में। आज हम बनाने जा रहे हैं लो फैट शाही चिकन। स्टेप वन, जिसके लिए हमें लगभग 4 मीडियम साइज प्याज चाहिए, 3 मीडियम साइज टमाटर। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। पहले एक कढ़ाई ले, उसे हाई फ्लेम पे गरम करें और 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालें। मस्टर्ड ऑयल जब गरम हो जाए तब उसमें कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि वो हल्का गोल्डन ना हो जाए। जब प्याज हल्का गोल्डन हो जाए तब उसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। फिर उसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर उसमें आप 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डाल दीजिए और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें और टमाटर के गलने तक का वेट करें। लगभग 5 से 7 मिनट बाद आप देखेंगे कि टमाटर हल्का गल चुका है, तब आप उसमें 2 टेबलस्पून मगज डाल दें और अच्छे से चला दें। आप चाहें तो छिले हुए बादाम भी इस समय डाल सकते हैं। जब टमाटर अच्छे से गल जाए तब हम उसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। मिक्सर अच्छे से ठंडा होने तक का आप वेट करें और फिर उसे ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लें। स्टेप 2, 1 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता और 2 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। मैंने लगभग 600 ग्राम चिकन लिया है। अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसे मीडियम फ्लेम पे हीट करेंगे। उसमें लगभग 1 टेबलस्पून हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। मस्टर्ड ऑयल जब गर्म हो जाए तब उसमें सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता और कस्तूरी मेथी डाल देंगे। जब सभी चीज़ अच्छे से भुन जाए तब उसमें मैरिनेटेड चिकन डालेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। फिर उसमें लगभग 1/2 टेबलस्पून हम नमक डालेंगे। याद रखें, हमने जो टमाटर और प्याज का मिक्सचर बनाया था उसमें भी हमने नमक डाला है। फिर हम लगभग 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे। और लगभग 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर भी डालेंगे। फिर लगभग 1 टेबलस्पून हम जीरा पाउडर या जीरा पेस्ट डालेंगे और 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट भी डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दें। और लगभग 10 मिनट हम चिकन को ढक के पकाएंगे। लगभग 10 मिनट बाद हमने जो टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था वो हम चिकन में ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। फिर हम लगभग 1/2 कप दूध डालेंगे। दूध मैंने स्कीम्ड मिल्क लिया है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे।
फिर लगभग एक कप पानी ऐड करें और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला के उसे कवर करके उबलने तक का वेट करें। लगभग 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि ग्रेवी अच्छे से बॉईल हो रही है, तब आप चिकन को एक बार चेक कर लें। अगर चिकन अच्छे से पक चुकी होगी तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। लो फैट शाही चिकन रेडी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।